वार्तिककथा पण्यकम्बलः संज्ञायामिति वक्तव्यम्। पण्यकम्बलः संज्ञार्थमान हो तभी क्या है, पूर्व पद प्रकृत स्वर होगा। अन्यत्र पणितव्य कम्बल है, यदि वास्तव में बेचने योग्य कम्बल है ऐसा अर्थ विद्यमान हो तब तो समास अंतोदातत्वमेव। प्रतिपदोक्त समास है कृत्या इति येष स्वरो विहितः। कृत्या इस अधिकार सूत्र है, ये वह प्रत्याधिकार होने के नाते प्रत्यय का स्वर इसको लागू हो जाता है। इति येष स्वरो यहाँ विहित है, कब, जब प्रतिपदोक्त समास हो, तो मैंने इन्हीं सूत्र के द्वारा कर्मधारय समास किया गया हो तो, संज्ञापरक कर्मधारय से किया गया तो, अन्यथा नहीं है। अब आता है दासी भार के लिए, दास्या भारो यदि दासी भार हो, गण उनके नाते गण का बता रहे देवहूति ही इत्यादि आ जाते हैं। अब गण गण में कैसे पहचानेंगे इसको, इसमें किसको किसको लेना है, आकृति गण है ये, तो कहते यस्य तत्पुरुष से पूर्व पद प्रकृतम इष्यते न विशिष्य वचन विहितम स सर्वोपि दासी भाराशु द्रष्टव्य। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर करना आपको इष्ट है और उसके लिए विधायक कोई विशेष सूत्र नहीं है, ऐसे जितने भी शब्द हों उनको आप इस गण में ले लें। सर राय सपुरं ध्याम, दृष्टान जैसे पुरं ध्याम है यहाँ पर, पुरम मने शरीरम धीयते अस्याम इति विग्रहवाक करके कर्मण्य अधिग्रहणे चैति की प्रत्यय हुआ, और पुरम के अम है वो अलुक अलुक छांदस। यहाँ पर जो है नव विशेष इत्याय सूत्र जो फिट सूत्र है 62वां, उससे इत्यादिदात्त पुरशब्द आदिदात था, वही पूर्व पद का प्रतिस्वर हो गया, तो वही समस्त समास का भी वही स्वर रह गया प्रकृत भाव होने से। चतुर्थी तदर्थ है, चतुर्थी तदर्थ है, चतुर्थी प्रथम एक वचनांत, तदर्थ सप्तमी एक वचन, चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिनी उत्तर पदे चतुर्थ्यंतम प्रकृत्यास्यो। चतुर्थ्यंत का प्रकृति जो है तदार्थ है, उसके लिए जो तद्वाचक शब्द उत्तर पद में रहेगा तब पूर्व में रहने वाला जो तुर्त्यंत पद है उसको प्रकृति वा हो जाएगा स्वरो। यूपाय दारो, चतुर्थ्यंत यहाँ पर यूपा एक लकड़ी विशेष अष्टासर लकड़ी विशेष का नाम यूप होता है, और उस यूप के लिए हाँ चतुर्थ्यंतरताय यत तद्वाची कौन हो जाएगा दारो, उसके उत्तर पद में रहते हुए यूप जो चतुर्थ्यंत है उसका जो भी स्वर था प्रकृति भाव हो जाएगा। यूपदारो, यूपदारो, यूपदार में क्या है नित का अनुवृत्ति वहाँ पर हो रखा है, इसलिए जो है कुयुभ्याम च एक सूत्र है, कुयुभ्याम च युणादि सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा जो है यहाँ पर नित का अनुवृत्ति होकर के यू को दीर्घ करने भी कहा, इसे यू प बना है वहाँ पर, प प्रत्यय है, यू को दीर्घ हो गया यू प बन गया, नित्वात आदिदात है और समस्त पद का भी वही रह गया। अर्थे 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 सप्तमी एक वचन, अर्थे परे चतुर्थ्यंतम प्रकृत्या, वो पूर्व पद में जो चतुर्थ्यंत है उत्तर पद में अश्वपद विग्रह वाक्य, तब अर्थ पद उत्तर पद में आ जाता है। द्विजाय अयम इति द्विजार्थ, द्विजाय इयम द्विजार्था, द्विजाय अय इदम इति द्विजार्थम बना था ना, अर्थेन विशेष लिंगता चेत वक्तव्य मायतम वार्तिक। अतएव समास उसी से होता है अश्वपद विग्रह वाक्य होता है वहाँ पर, यहाँ भी इसे अश्वपद विग्रह वाक्य कर रहे हैं आपका देवाय इदम, हाँ नित्य समास हो जाएगा अपने आप, अश्वपद वग्रह और अभिग्रह को नित्य कहा जाता है। अच्छा नित्य वहाँ वार्तिक में भी घुसा दिया है कि जो भी अश्वपद विग्रह होता है और अविग्रह होता है दोनों नित्य समास होते ही हैं, नियम भी बना दिया है आपने। नहीं कहने की जरूरत नहीं है, तो प्रसिद्ध शब्दों के लिए आप व्युत्पत्ति बना रहे हैं ना, इस समास के विधि के नियमन करने के लिए होता है, इसे शब्द पहले से बने हुए हैं अर्थ शब्द के साथ, वो अश्वपद विग्रह मालूम हो जाएगा तभी निस्समास होगा ना वो, नहीं तो कैसे होगा, स्पष्टार्थ कह देते हैं
कई बार ऐसे होता है स्पष्टार्थों पर बोल दिया जाता है, सूत्र भी ऐसे कही है स्पष्टार्थम कह देते, इसीलिए प्रपंचार्थम कह देते कई बार। विकल्प का प्रकरण है नहीं, विकल्प को बांधने के लिए नित्य समास करना अलग चीज हो गया, और नित्यम नित्य समास कहने की जब नित्यम कहते काम हो जाता है, तो इसलिए वह नित्यम वैसे तो पूरा समास महाविभाषा के अधिकार में है, वो अलग चीज है, इसे वहां पर नित्य समास नहीं कहेंगे, नित्यम कह देते विकल्प को बांध देते। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर देवाय इदमिति देवार्थम, और देव शब्द कैसा है पचाद्यच चित अंतोदात है, वकार का कार अंतोदात है, प्रकृत भाव हो गया, इसलिए देवार्थम यहाँ पर अर्थशब्द उत्तर पद में है, तो देव के आकार में जो स्वर था वही रह जाएगा, लेकिन यह एकादेश हुआ है उसके बाद में देवार्थम उदात्ते ना अनुदात के साथ एकादेश हुआ, उदात्ती होगा, उदात्ते ने कह दिया है वहाँ पर उदात्ती रहेगा। खते चे चे शब्द में एक वचन चे, क्तांते परे चतुर्थ्यंतम पूर्वपदम प्रकृत्या, क्तांत क्त प्रत्यांत उत्तर पद में हो, पूर्व पद यदि चतुर्थ्यंत तो वह उसका प्रकृत हो जाएगा स्वर का। गोभ्यो हितम इति गोहितम, हित शब्द क्या है क्तांत, ये उत्तर पद में आ गया, गो है चतुर्थ्यंत तो इसे प्रकृत हो गया, चतुर्थी चाशीषी इत्यादि ना चतुर्थी विभक्ति हुई है गोभ्यो में, इति शब्द योग में उपपद विभक्ति, कर्मधारय अनिष्ठा कर्मधारय अनिष्ठा कर्मधारय शब्द के वचन अनिष्ठा प्रथम एक वचनांत है, क्तांते परे पूर्व अनिष्ठांत प्रकृत्या, क्ता प्रत्यांत पर में रहते पूर्व पद में निष्ठा में क्ता तो दोनों में से कोई भी नहीं होनी चाहिए, अनिष्ठान पूर्व पद में हो तब प्रकृत हो जाएगा स्वर्ग। श्रेणी कृदा क्ते का अनुवृत्ति है, क्ते क्तांत उत्तर पद में तो होना ही चाहिए, इन पूर्व पद में निष्ठा नहीं हो, क्त और क्त हो तो दोनों में से न कोई भी ना हो, और समय समास कर्मधार समास हो तब पूर्व पद पर स्वर होता है। श्रेणी कृदा श्रेणी शब्द आदुदात्त, श्रेणी शब्द आदुदात्त है, नीचे दिया वही श्री यु दुग्ला हा त्वरिभ्यो नित इति नी प्रत्यय से नित्वादादात श्रेणी शब्द में। पूग कृता पूग शब्द अंतदात्त, पूग शब्द है अंतदात्त, मुदिग्रोर गग्गौ बाहुल का पुयोपि गख हो करके पूग बना, ये भी आपका उणादि का ही है सूत्र, एक से एक 125 पहले जा चुका है। कर्मधारे किम श्रेण्या कृतम श्रेणी कृतम या नहीं हुआ, अनिष्ठा किम कृताकृतम कृता आकृतम यदि कृताकृतम या कृता अकृतम पच्छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर में क्या बोला इसने आ जो है कृतांत मिलना चाहिए ना पर में, उत्तर पद कृतांत हो और पूर्व पद में निष्ठा ना हो, या कृत शब्द क्या पूर्व पद है वो निष्ठा है और पर में कृतांत होना चाहिए, यदि अकृत कहो तो कृतांत नहीं रह जाएगा, इसे कृतांत यहाँ दिखाना है हमने, अतः आकृतम पच्छेद करेंगे अकृतम पच्छेद नहीं करेंगे, ये बोलेंगे टीकाकार। अहीने द्वितीया अहीने द्वितीया अहीने सप्तमी के वचन द्वितीया प्रथम एक वचनांत दो पद है, अहीन वाचिनी समासे क्तांते परे द्वितीयांतम प्रकृत्यास्यो, कहते अहीनवाची समास हो, अहीनवाची समास किसको कहते हैं जी, अहीनवाची समास, अहीन नाम का कोई समास भी आया क्या, कोई समास तो है ही नहीं, अहीनवाची अहीनम न हीनम इति अहीनम अत्यक्तम अभिधेयते ये न उसको कहेंगे अहीन समास, इस अर्थ कर देंगे इसलिए जब विभागवाची ना हो, ऐसा समास जिसमें विभाग द्योतित नहीं होनी चाहिए, यदि विभाग अभिव्यक्त हो रहा हो उसको हीन समास कहेंगे, त्याग दिया उसे छोड़ दिया, या अत्यक्त होनी चाहिए विभाग नहीं होनी चाहिए, इसे इसका अर्थ करेंगे अविभागवाचिनी समास टीकाओं में आ जाएगा। अहीनवाचिनी समास है क्तांत पर में क्या होना चाहिए, क्तांत होनी चाहिए, तब पूर्व पद द्वितीयांत होनी चाहिए तब वह प्रकृत हो जाएगा। कष्टश्रित द्वितीयाश्रितातीत सूत्र से समास होगा, कष्टम श्रुत कष्टश्रित
ग्रामम गते इति ग्रामगतः। यहाँ विभाग नहीं है, कष्ट को आश्रय किया मैंने कष्ट उसे अभिन्न हो गया, गांव को चला गया मैंने गांव से प्राप्त गांव से अभिन्न हो गया, या भेद नहीं है। इसी सूत्र में लेकिन ऐसा भी है जो भेद बोधक हो जाता है। द्वितीय श्रुतातीत गतात्यस्त, इसे गत को लिया प्राप्तापन नहीं है, उसे अतीत को दृष्टांत नहीं दिया कि अतीत विभाग मालूम हो जाता है। इसे प्रत्युदाहरण में ले रहे, देखिए उसको अहिने किम कांतारातीत, इसे बीच में कष्ट शब्द अंतदात्त ग्राम शब्द नित्स्वरेना आदिदात्त अहिने किम कांतारातीत, कांतारम अतीत द्वितीय समास है यहाँ पर, उसी सूत्र से समास हुआ है। से सूत्र से किया जाने वाले समास का नाम अहिन समास नहीं लेना, अहिन समास इधर अर्थ पर है, इसे वाचिनी अहीन वाचिनी मैंने अविभाग वाचिनी, और यह विभाग है कांतार को अतीत कर गया, अतीत कर मैंने विभाग तो गया, उसे अलग हो गया दूर हो गया। इसे अतीत शब्द के साथ जो समास रहे विभाग मालूम हो रहा है वह विभाग वाचिनी होगी, हीन वाचिनी हो गया, अतः वहां पर सूत्र नहीं लगा। प्रत्युदाहरण हुआ अनुपसर्ग इति वक्तव्यम्, अनुपसर्ग इति वक्तव्यम्, अनुपसर्ग ऐसे कह देना सप्तमी और जोड़ देना, जो क्तांत उत्तर पद हो वो उपसर्गहीन होनी चाहिए। जैसे आ दिया ग्राम गतः कष्ट श्रुतः, उपसर्ग नहीं ना यहाँ पर कोई, यदि प्राय उपसर्ग जोड़ दिया आपने तो नहीं होगा। जैसे प्राप्तापने में प्राप्त है ना, वहाँ पर अहिने समास है जो तांते पर में वो उपसर्गहीन होनी चाहिए, अनुपसर्ग तांते पर ये वा अर्थात उपसर्ग तांते चेत ना अप्रकृत भाव नहीं होगा। जैसे इसी सूत्र में प्राप्तापन नहीं में क्या है, प्राप्त और आपन दोनों कैसे हैं, सोपसर्ग है, प्र है आपन में आ है, तो उसके योग में नहीं होगा न, तो इसलिए क्या हुआ नहीं है। देखो दृष्टांत सुखे न प्राप्त इति सुख प्राप्त, या सुखम प्राप्त हो यदि सुख प्राप्त द्वितीय रख लो सुखम प्राप्त इति सुख प्राप्त, यह सूत्र वही है द्वितीय श्रुतातीत में प्राप्तापन ने बोला है उसी सूत्र से समास कर रहा हूँ मैं, लेकिन प्रोपसर का योग हो गया कृतांत के साथ में अति अलग नहीं होगा। थात इत्यस्य अपवाद हो या थाता जी स्वर सूत्र है आपको बहुत अंत में आने वाला है 579 में है 6244 सूत्र पढ़ने का थाता जी स्वर था है ना, था था घई आज प्रत्यंग गिनाया है वहाँ पर उन उसके स्वर को ये अपवाद करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ है। थाता जी स्वर से अपवाद अंतोदात होता है इत्यस्य अंतोदात कर दिया उसको अपवाद कर दिया, अंतोदात को अपवाद कर रहा है पूर्व पद पर स्वर कर दिया इसे। तृतीया कर्मणि, तृतीया कर्मणि कर्मवाचक कृतांते परे तृतीयांतम प्रकृत्या स्यु, कर्मवाचक कृतांत पद आपके पहले केवल कृतांत बोलते थे कृत्य, अब देख कर्म में ही अर्थ में आना चाहिए कृत, भाव में भी नहीं कर्तरी में नहीं कृत, भाव कर्तरी अधिकरण आदि अर्थों में कृत ना हो किंतु कर्म अर्थ में एक हो तार्श कृत प्रत्यांत के उत्तर पद में रहते हुए पूर्व जो तृतीयांत है उसके स्वर को प्रकृत हो जाएगा। त्वोतासह, त्वोतासत्वा ऊत ऊत ज्वरत्व इत्यादि सूत्र है ऊठ हुआ है ना, अवत्य है ता यदि ऊठ हो गया वृद्धेर इडागम से चा भाव छांद स ऊता में त्वया ऊता मने रक्षिता, त्वया ऊता मने रक्षिता त्वोतासह छांदस प्रयोग हो गया, जस में क्या होता है सुखागम होता है ना, इसे होना चाहिए त्वोताह, त्वोताह होना चाहिए त्वोतासह बन गया जस में। यावरी वे तदंतात विद्यान तदंतात जस आज जैसे असुख इति असुख कागम, इसे असुख दिखाई दे रहा है वहाँ पर। पूर्व पर स्वरे कृत एका शुद्धात्य अनुदाति इति स्वरित प्रचय, आगे वाला क्या हो गया वो ओकार स्वरित परिचय हो गया कि त्वा जो था वो उदात था उसके साथ एकादेश हुआ है, एकादेश उदात्य अनुदात उदात को उदात के साथ एकादेश होने से वो स्वरित हो जाता है, उदात और अनुदात के एकादेश हो तो उदात हो जाता है, उदात उदात के एकादेश हो तो प्रचय स्वरित प्रचय हो जाता है।
क्षेत्रोता समय स्वरित परिचय हो गया। रुद्रेण हते इति रुद्र हत वावी त्वया तृतीया थी त्वया ऊता या रुद्रेण हत ऊत में भी कर्मणि में है या भी हत में भी कर्मणि में एकता प्रत्यय महाराज हत महाराजा तक राजा हत कैसे बनेगा महाराजे न हत ये महाराजा तृतीया बनानी पड़ेगी। रुद्र शब्द कैसा है यहाँ रुद्र शब्द रगंत रोदर निलुक्च इति विहिता इतना ही कह देते रोदेर रुद्र धातु निजंत धातु से निकुलुक कर देना और जब प्रत्यय कर दिया इसने रख गुणाभाव हो गया कित करने का बोलते गुणाभाव है निचलुक हो गया पहले तो रोधी था रोधी निजंत था निचल निचलोगे तो रोध रहेगा अब निमित्ता निमित्त वगैरह रुद्ध हो जाएगा तो वे कित करने से पुनः गुण नहीं हुआ रुद्र हो गया और रख मिल गया रुद्र बना। स्वर में कित का लाभ है केवल तद्धित प्रत्यय में कित का लाभ है ना कित तद्धित में केवल उसे लाभ होता है अन्यत्र कित का लाभ गुणादि का निषेध ही है स्वर लाभ नहीं है। कर्मणि के रथेन या तो इत रथ यात हो रथेन यात कत्यर्थत्व कर्तरी में एकता भाव में नहीं है कर्तरी में एकता कर दिया गया यहाँ पर इसलिए यहाँ भी सूत्र नहीं लगेगा। गतिरनंतर गति प्रत्येक वचनांत अनंतर भी प्रत्येक वचनांत है कर्मार्थे तांते परे अव्यहितो गति प्रकृत्यास्य अनंतर में अव्यवहित ये कहने क्या जरूरत थी ते प्राग धातो है ही है सूत्र पहले कह दिया ते उपसर्ग धातो प्राग एव पूर्व में ही रहना है लेकिन पूर्व में अव्यवहित रहने ये कौन कह रहा है व्यवहित भी हो सकते पूर्व में इसे ज्ञापन कर दिया अनंतर कहने से ज्ञापन होता है अनंतर ग्रहण ज्ञापकम कृत ग्रहण गति कारक पूर्व से अविग्रहणम अनंतर ग्रहण करने से ज्ञापन हुआ कृत ग्रहण गति कारक पूर्व से अविग्रहण में परिभाषा उत्पन्न हुआ इसकी वजह से। तो दृष्टांत यहां भी क्या है था स्वर्ग इत्यस्य अपवाद अंतधातु का अपवाद करेगा पुरोहितम यहाँ तक टीका देखिए पण्य शब्द अवध्य पण्यति यदंतो यतो अनावयति आददात्ते पण्य शब्द संज्ञायमिति नियत प्रमाणकस्य नियत मूल्यस्य कम्बलस्य एषा संज्ञा नियत प्रमाणो और नियत मूल्यो ऐसे कम्बलों का नाम होता है पण्य कम्बल ये नाम हो गया समासांत अंतदातत्वम एव इति अन्यत्र क्या हो जाएगा पणितव्य कम्बल है तो ननो पण्य शब्दस्य कृत्य प्रत्यंतत्वात् तत्पुरुषे तुल्यार्थ इत्यादि ना पूर्व पद प्रसवण भाव्यम अतः प्रतिपदोक्ति इति कहते कृत्य प्रत्यांत होने के नाते तत्पुरुषे तुल्यार्थ इत्यादि सूत्र के द्वारा पूर्व पद प्रसवण होना चाहिए छः दो दो का है उससे पहले बहुरव पूर्व पदम है ना वो सूत्र लगेगा छः दो एक में वो है पूर्व पदम का अधिकार करता है इसे पूर्व पद का प्रसवण होना चाहिए अतः ये प्रतिपदोक समास के लिए कह रहे हैं हम इति कृत्य तुल्याख्या अजात्या यदि यह कृत्य समास प्रतिपदोक्त तत्रैव सः वहीं पर वो लगेगा तो कृत्य तुल्याख्या अजात्या दो एक संतानवे का है इस सूत्र के द्वारा जो कृत्य संज्ञा को लेकर के तन्वित समास किया जाता है प्रतिपदोक समास हो वहीं पर वो सूत्र लागू होता है प्रतिपदोक समास कृत्या इत्यत्र स्वरोविहितः ये कहा था मूल में अयंतो और यहाँ क्या है उसे हम समास कर ही नहीं रहे हैं यहाँ तो विशेषण विशेषण बोलमिति सामान्य लक्षण विहित कमल शब्द से जाति वचनत्वात् ये जातिवाचक होने के नाते यहाँ लागू नहीं होता सूत्र न कृति तुल्याख्या अजाति इत्यस्य वैयर्थ्यम शंक्यम करो व्यर्थ्य हो जाएगा ऐसे आशंका मत करो तद्य गुण क्रियावाचिनोर अनियमेन पूर्णिपात प्रसंगे कृत्यांतस्य पूर्णिपातार्थम वचनम न तो जाति निषेधार्थम अजात्येति वचनम न्याय सिद्धार्थ अनुवाद एव इति स्थितम क्योंकि जवाब दिया कि वो जो अजात्य जो कहा गया उसका अर्थ नहीं समझना है जैसे तुम समझ रहे हो किंतु गुण क्रियावाचिन हो अनियमेन पूर्णिपात प्रसंगे गुणवाचक और क्रियावाचकों का अनियमेन पूर्णिपात की प्रसक्ति हो गई
उस स्थिति में पूर्णिपात का ही निपातन करने के लिए पूर्णिपात अर्थम वचनम, न तो अजात्या का करके जाति निषेध करने के लिए नहीं है, न तो जाति निषेधार्थम अजात्य वचनम, क्योंकि न्याय सिद्धार्थ अनुवाद ये वैतम के वचन है वो न्याय सिद्ध का अनुवाद करने के लिए मात्र है। दासी भारयति दंशिष्टो न आच, यहाँ भी वही दंशिष्टो छप है, जबकि अन्यत्र क्या है दंशिष्टनौ ये है न आच। यदि टित्तादी उदात्त निवृत्ति स्वरे न दासी शब्दो अंतोदात्त, पूर्व जो है दासी शब्द उदात्त निवृत्ति स्वर से दास शब्द अंतोदात्त हो गया, पूर्व पद अंतोदात्त हो गया और उसी प्रकृति हो गया वही समस्त का भी स्वर रहेगा। देवहूतिरिति देव पचात्यजंत, देव पचात्यजंत यस्य तत्पुरुषस्य इत्यादि एतेन दासीभारादेर आकृतिगणत्वं दर्शितम्। चतुर्थी तस्मै इदं तदर्थं तच्छब्देन चतुर्थ्यन्तस्य अर्थ उच्यते, तस्मै इदमिति तदर्थं तदर्थे कहने उसके लिए बोल रहे हैं, और तच्छब्द से क्या लेना चतुर्थ्यन्तस्य अर्थ उच्यते, तस्य चतुर्थ्यन्त जैसे तस्मै इदं चतुर्थ्यन्ताय इदं इति इसका अर्थ हो चतुर्थ्यन्तार्थं ये अर्थ हो जाएगा। तदाह चतुर्थ्यन्तार्थाय यदिति युपदार्विति निधि दीर्घश्चित अनुवर्तमाने कुयुभ्याम चेति पहा प प्रत्यय हो गया, कुयुभ्याम चे प प्रत्यय हो गया। उणादि सूत्र संख्या 307 है, पाद के अनुसार तीसरे पाद का 27वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 216 में गया है, उससे हो गया बोल रहे हैं। नित्वात आदिदात्तो युपशब्द, नित्य की अनुवृत्ति होने से नित्य है इसलिए युपशब्द आदिदात्त है। देवार्थ विधि देव पश्चात अजंत, अजंत से चित्त है चित्तोदात्त, देव के वकार का आकार उदात्त हो जाता है। गोहितमिति चतुर्थी चाशिषी इत्यादि ना चतुर्थी व्यक्ति हुए गोभ्यो आदिदात्ते इति, ये भी सूत्र संख्या 2373 का है। आदिदात्ते इति श्री सेवायाम भई श्री यु दुग ग्ला दु ग्ला हा त्वरिभ्यो नित इति नी प्रत्यय नित्वाद आदिदात्त हो जाता है। वही इत्यादि सूत्र संख्या क्या है 491 है, 491 का मतलब आता है वो आपकी पृष्ठ संख्या संख्या 256 वही श्री यु दु ध्रु ग्ला हा त्वरिभ्यो नित वन्नी श्रेणी ही बना श्रेणी बनाए इसमें चौथे पाद का है। पूग शब्द इति मुदि ग्रोर गग्गौ इति बाउल का यहाँ यदि मुद धातु बोल रहे हैं और ग्री धातु पू तो है ही नहीं, कहते बाउल का पुयोपि पुई से भी गक प्रत्यय कर दिया। ये उणादि के 125 पृष्ठ संख्या 171 कृताकृतम इति तेन नहीं विशिष्टे ना नहीं इति समास हुआ है 2159 अनिष्टा इति अनुच्यमाने यही वस्यात् श्रेण्याय समास अपेक्षा तेन निविष्टेन इति समासस्य प्रतिपदोक्तत्वा इति धीरदत्तः। अनिष्ट यदि न कहते तो यहीं पर जो वो भी लग जाता, तो श्रेण्याय समास की अपेक्षा से तेन निविष्टेन क्या हो जो समास है वो ज़्यादा क्तांत प्रतिपदोक्त समास हो जाता है। अहीने हीनम मने त्यक्तम न हीनम इति अहीनम अहीनवाचनी समासे इति माने पूर्व पद द्वारेण समासस्य अहीनवाचित्वम्, पूर्व पद के द्वारा समास का अहीनवाचित्व की निर्णय हो जाता है, माने पूर्व पद से जो बोध्य पदार्थ का उत्तर पद के संबंध में विच्छेद हो जाना ये विभाग होगा और अविच्छेद ये अविभाग होगा, इसे पूर्व पद पर निर्भर है। जैसे दृष्टांत में क्या था कांतारम अतीतः, कांतार मने तालाब, तालाब को अतिक्रमण किया तो विभाग हुआ कि नहीं हुआ पूर्व पद के साथ उत्तर संबंध से ही मालूम हो पाएगा। इसे पूर्व पद के द्वारा जहाँ पर समास का अहीनत्व ज्ञापन हो रहा हो वहीं पर यह सूत्र लगेगा, अविभाग ज्ञापन हो तो।
कष्टश्रुते इति द्वितीयाश्रुतादिति समासः दो एक तेईस कष्टशब्दे इति तान्तत्वात् ग्रामशब्दे इति गर्सेर आच इति मन प्रत्यांत आदिदात्य ग्राम शब्द गर्सेर आच ये उणादि है एक एक सौ चालीस फिर संख्या एक सौ चौहत्तर अनुसर्ग इति वक्तव्यम सूत्र अहीन ग्रहणम अपनीय अनुसर्ग ग्रहण कर्तव्यम सूत्र में अहीन ग्रहण करते किए बिना जो है अपनीय ग्रहण आज को हटा करके अनुसर्ग ग्रहण कर्तव्यम व्यापकत्व जैसे व्यापकता आ जाती है थाता इत्यस्य अपवाद इति तथा च प्रत्युदाहरणे थातादि स्वर इति भाव तृतीया त्वोतास इति त्वया ऊता माने रक्षिताः अवरक्षण संबंध ऊता प्रत्योत्तर पदयोश्च इति अपर्यंत सत्वादेश दकार लोप जो है छांदस अवतेकता ज्वरत्वर इति ऊट छः चार बीस एते दत्युट वृद्धेर छः एक सौ छियासी इडागम से च अभाव छांदस तदंता जसाया जस के स्थान में आज जसेर असुक इसे क्या हो गया असुक आगम हो गया इति असुक आगम पूर्व पद प्रक स्वरे कृत एकाश उदात्य अनुदात्य इति तथा स्वरित प्रत्यय हो जाता है त्वा के साथ ऊत का ऊ के साथ गुण आदेश होने के बाद तो के ओकार जो है स्वरित प्रत्यय हो गया रगंदे रोदेर निलुक्च इति विहिता रुद्र शब्द के लिए बोल रहे हैं रुद्रहता के लिए रोदेर निलुक्च ये भी उनादि का है एक एक सौ उनासी एक एक सौ उनासी है प्रथम पाद का ही है अंतिम सूत्र लगभग महाराज हत इति राजा सज्ञेष्टच इति टजंतो महाराज शब्द अंतोदात्त है चित्त होने से अंतोदात्त है महाराज शब्द पांच चार इक्यानवे रथेन यात इति गत्यर्थत्वात् कर्तृमेकता मैंने कर्म से भिन्न हो गया ऐसे सात सूत्र लागू नहीं होगा पुरोहितमिति पूर्वाधरावराणाम असि पुरधवश्चैषाम इति असि प्रत्यांतः पाँच तीन उनचालीस प्रत्ययस्वरेण ये अंतोदात्त पुरस शब्द है पुरस अत्र समास अंतोदात्तत्वाम अव्यय पूर्व प्रस्वर कृस्वर ताताजस्वर एतेषु प्राप्तेषु चार चार प्राप्त हो रहा है क्रमशः समास अंतोदात्त भी प्राप्त है अव्यय पूर्व पद को लेकर पूर्व पद प्रस्वर भी प्राप्त है कृस्वर की प्राप्ति उत्तर पद में और समस्त पद का ताजस्वर अंतोदात्त भी प्राप्त है एतेषु प्राप्तेषु पूर्व पद प्रस्वर भवती पूर्व पद प्रस्वर का विधान कर दिया जाता है। नीचे वाले टीका में पण्य कम्बला कर्मधारय समास है यहाँ पर बहुलग्रहणात् समास इत्युक्तम समास प्रकरणे समास प्रकरणे इस पद पर विचार करते हुए पहले ही बोल चुके हैं बहुलग्रहणात् यहाँ समास हो गया है। पण्य शब्द यदंतत्वाद आजुदात्त यदंत यत् प्रत्यांत होने से वह आजुदात्त है यदंतत्वाद बोल रहे यत् यत् स्वरित हो जाएगा आजुदात कैसे कर दिया ये तो अनाव लग गया ऊपर वाले ठीक बोला ये तो अनाव इत्यादि नहीं तो स्वरित हो जाता हो तित्वात् केचित् न द्वितीया कृत्या इत्येव सिद्धम् इति चेत् न द्वितीया कृत्या इत्येव सिद्धम् इति चेत् न प्रतिपदोक्ते कृतितुल्याख्येत समास एव तत्प्रवृत्तेः यदि आप द्वितीयाश्रिता अतीत प्रतात कृत्या न कहते हुए सूत्र न बताते हुए द्वितीया कृत्या इतना सूत्र कह देते कृत संज्ञा और सब ही हैं सब इकट्ठे आ जाते हैं लेकिन समस्या वहाँ कर देते फिर प्रतिपदक समास लेते हैं जिस सूत्र में कृत्या शब्द प्रयोग करके समास का विधान किया है वही यहाँ पर ग्रहण होगा। फिर कृत्यतुल्याख्या अजातीय समास ये व तत्प्रवृत्त है यह तो और यहाँ कर रखे विशेषण विशेष भाव समास यहाँ प्रवृत्ति नहीं होता ननु अजात्य प्रसिद्ध सामर्थ्या दुर्लभो असौ इज्जतना अजात्यति न जाति प्रसिद्धार्थ जाति प्रसिद्ध ग्रहण नहीं है किंतु न्याय सिद्धार्थ अनुवाद का मात्र न्याय सिद्धार्थ का अनुवाद करने के लिए मात्र है। तत्फलन तो गुणक्रियावाच्य नाम अनियम पूर्णिपात प्राप्त है तनियमार्थम सूत्रमिति व्युत्पादनम स्पष्टंचेदम वृत्त्यादो विद्या हो ये वृत्तिकार आदि के मत में यह बात स्पष्ट है ऐसे कुछ लोगों का कहना है केचित् आहु इन मुख्य सिद्धांत है नहीं क्योंकि भाषा आदि का विरुद्ध है ये भाषिक के विरुद्ध होने से इसे तन्न कहते हैं। स्वर विधायक
कृतितुल्याख्या इत्येव वक्तव्ये कृतितुल्यार्थयोर् वियोगपाठेन अर्थपद घटित पाठेन च तदंशे परिभाषया अप्रवृत्त है। समस्या है कृतितुल्याख्या इत्येव वक्तव्ये स्वर प्रकरण में क्या किया, तुल्यार्थयोर् वियोगपाठेन अर्थपद घटित पाठेन च, और अर्थपद घटित भी है इसलिए तदंशी परिभाषाया अप्रवृत्त है, क्योंकि यहाँ पर वियोग का पाठ क्या है, वह कृतितुल्याख्या एक पद बनाया था ना, कृतितुल्य को समास करके रख दिया, और यहाँ पर कृतितुल्यार्थयो द्विवचन कर दिया, ये विभाग वचन हो गया, वियोग वचन हो गया, और अर्थ शब्द भी अधिक जुट गया, कृतितुल्ययो कहते उतरे से विभाग था, कृतितुल्ययो मैं द्विवचन प्रयोग करने विभाग हो गया, दोनों नहीं किया तो एक था कृतितुल्य, तो समास प्रकरणीय प्रकरण में आपने ये मिला करके रख दिया है, और स्वर प्रक्रिया में अलग करके रख दिया, और अर्थ शब्द तुल्य शब्द के साथ अधिक जोड़ दिया है आपने, इसलिए तदंश परिभाषा अप्रवृत्त है, इसे प्रतिपदक परिभाषा लागू नहीं हो सकता। अतएव प्रकृत सूत्र है कृति प्रत्यान तत्पात पूर्व पद प्रस्वर है सिद्धे पण्य कम्बल संजय अतः पण्य कम्बले एव इति वा नियमार्थमिदं विशेषण समास भाष्यकयटयोर् उक्तम्। इसे भाष्यकार और कयट ने दोनों ने बात कहा कि नियमार्थ ही विशेषण विशेष समास का नियमन करने के लिए सूत्र विशेष आरंभ में किया गया है। संजयामिति नियमार्थमिदं तदाह अन्यत्र इति प्रतिपदोक्ते इत्यायतो वृत्त्यनुरोधेन प्रतिपदोक्ते इत्यायतो वृत्त्यनुरोधेन तेन सोपि न भवति इति तद्भाव, इसलिए वह भी नियम या लागू नहीं होगा, विशेष अलग ही कर दिया नियमन करने के लिए। दास्या भारो इति दासी भार आगे बढ़ते हुए कहते हैं इस गण का पहचान क्या है, यस्य तत्पुरुषस्य इति केचित् तो यस्य समासस्य इत्येव वदन्ति, यस्य समासस्य ऐसा ले रहे हैं उसके पीछे इन्होंने बहुत विस्तार, यस्य समास कोई भी समास ले लोगे फिर और ठीक नहीं, यस्य तत्पुरुषस्य कहना विशेष कहना ही उचित है, यूप दावित हो गया दारवित होना चाहिए ना, यूप दारविति दारू है ना, हाँ या ऊपर एक रेफ चिन्ह होना चाहिए दारविति, यूप आदिदात है कुयुभ्यां चैत्यत्र नित्यनुवृत्त है प्रकृति विकृत भाव एव अयम स्वरा इशते, जहाँ प्रकृति विकृति भाव है वही अस्परिष्ट है, अर्थ है तेचा इतनियोर आरंभात, नहीं तो आगे जो दो सूत्र आरंभ किया व्यर्थ हो जाएगा अर्थ और तेचा, इसे जहाँ प्रकृति विकृति भाव है वहाँ यह सूत्र लगेगा, जहाँ प्रकृति भाव नहीं है वहाँ के लिए आगे के सूत्र आरंभ किया गया। तेना कुबेर बलि ही इत्यतरंडा कुबेराय बलि थी कुबेर बलि, यहाँ भी चतुर्थी है समास लेकिन नहीं लगेगा, तदर्थ है किम उसे तदर्थ में क्यों कहा आगे के लिए, गो सुखम देवार्थमिति देवाय इदमिति विग्रह तादर्थ्य चतुर्थी है यहाँ पर, तेच प्रतिपदोक्तत्वाद हितरक्षिताभ्याम समासस्यैवत्र ग्रहणम्, गोहितमित्यत्र हितयोगे चेति चतुर्थी है एवं गोरक्षितमित्यत्र तादर्थ्य चतुर्थी, अन्य तो हित शब्द ना से प्रवृत्ति शब्द के प्रति प्रवृत्ति नहीं होता कह रहे, अत्रा भी तदर्थे इति अनुवृत्त है, यहाँ भी तदर्थे की अनुवृत्ति कर लूँगा फिर प्रकृति विकृत भाव की अपेक्षा हो जाएगी फिर वो लगेगा नहीं यहाँ पर, इत्यनुवृत्त है अतएव अस्य सूत्रस्य प्रकृति भाव एव चतुर्थ तदर्थ इत्यस्य प्रवृत्तौ ज्ञापकता छेदोत्य 43 और चतुर्थ तदर्थ इति 2135 इति सूत्र भाष्योक्ता संगचित है, यह बात कहाँ कहा गया इस सूत्र के भाष्य में 2135 के भाष्य में जो कहा गया उसके अनुसार भी उचित बनता है, नहीं अत्र तसे प्रवृत्ति हित योगे तादर्थ्य भावात ऐसा उन्होंने कह दिया है, नहीं अत्र तसे प्रवृत्ति सूत्र की प्रवृत्तियाँ नहीं होगी कि हित योग में तादर्थ्य मालूम नहीं होता, अर्थात तादर्थ्य की अनुवृत्ति है तभी ऐसे कह रहे वो, न हिते चेति वक्तव्य ते चेति सामान्य सूत्र में रक्षितार्थमपि संज्ञापकम इति भाष्याशय, ये भाष्य पंक्ति का तात्पर्य इस तरफ घटाना चाहेगा, हितेच कहना चाहिए था न तेच ऐसे व्यापक प्रयोग क्यों कर दिया,
ये ज्ञापन करता है सामान्य सूत्र ज्ञापन रक्षित इत्यादियों को भी लेने के लिए, रक्षितार्थम अपि संज्ञापकम्। ऐसे भाष्य के आशय घटाना चाहते थे न च भाष्य आशय गुरुत्वात् उत्तरार्थम तस्य आवश्यकत्वाच्च इत्याहो। गुरुत्वात् और उत्तरार्थ उसका आवश्यकता भी माना गया है। गुरु मने गौरव, क्योंकि ते में क्या है, एक अक्षर है ही ते, द्व्यक्षर हो गया शरीरकृत गौरव हो जाएगा। कर्मधारय अनिष्ठा अत्र प्रतिपदोक्त श्रेण्यादि समास से ग्रहण तेन वैदिक पंडित इतना इदंच महान व्रीहीति सूत्रे भाष्य स्पष्ट कृताकृतमिति यदो दिया, देखो इसलिए अवग्रचन आकृतमिति छेद ये भी स्पष्ट कर दिया। कृतापकृ कृतादीनाचोपसंख्यान इति प्रतिपदोक्त समासी लेना है यहाँ पर। अकृतमिति छेद तो न युक्त, कृतम अकृतमिति कृताकृतम ऐसा पच्छेद नहीं करना। तस्य तांतोत्र पदत्व भाविना प्राप्त है कि अकृत ऐसे समास करने के बाद तांतत्व उसमें नहीं रहेगा, नए समास हो जाएगा, समासांत प्रत्यय आ जाएगा, रक्ता प्रत्यंत नहीं रहेगा, समासांत प्रत्यय वाला हो जाएगा वो, इसे वो नहीं लेना है। अहीन वाचनी जी स्पष्ट लिखते हैं अविभाग वाचनी इत्यर्थ थाता स्वरापवाद वयम अनुसर्ग इति अनेन अतीतादि व्यावृत्ति सिद्धौ अहीन इति व्यर्थम इत्याहु। मैंने अनुपसर्ग कहते काम चल जाता, क्योंकि अतीत में भी क्या है, अति उपसर्ग है ना, अति उपसर्ग पर इनका तो धातु सेकता हुआ तो अतीत बनता है, वहाँ उपसर्ग है, प्राप्त में भी उपसर्ग है, आपन में उपसर्ग है, तीनों निवृत्त हो जाएंगे। फिर अनुपसर्ग कहना उन दो के लिए और इसके लिए अहीन कहना व्यर्थ है, अनुपसर्ग कहते ही तीनों ही निवृत्त हो जाएगा एक साथ। इसे अहिना को हटा करके आप अनुपसर्ग कहेंगे उस ज़्यादा लाघव है। यदि भी शरीरकृत गौरव है, अहिने में त्र्यक्षर है, अनुपसर्गे पांच अक्षर हो जाएगा, गौरव हो जाएगा, फिर भी दोनों बोलने की अपेक्षा से एक बोलने से लाघव ही है ना, दोनों बोले तो क्या हो जाता, पांच दो सात अक्षर हो जाता, उसे पाँच में काम गए दो अब भी लाघव हो रहा है, उस दृष्टिकोण से उचित यही है। तृतीया का अयमपि थाता स्वरापवाद त्वोतास इति त्वया ऊता रक्षिता इति त्वोतास प्रत्येत प्रदर्शी मपरिंत सत्वादेशे जहाँ दकार जो बचा त्वद त्वया है ना, तो दकार कहाँ गया, लोपश्चांद अवधातु से अवतेकता ज्वरत रीति उठ इति तुर्सी इति वृद्धेर इडागम से च अभावश्चांद। इसी वृद्धि भी नहीं हुआ और इटागम भी नहीं हुआ। पूर्व पद पर स्वर कृदय एका शुदात अनुदात तथा स्वरित हृदयात गत्यर्थत्वात् कर्तृव्यक्त गतिरनंतर गति तिच्छंत पुल्लिंग अनंतर पद सामनाधिकरण्यात पुल्लिंग अनंतर पद का सामनाधिकरण देखते हुए यहाँ तिच प्रत्यान समझो, तिन नहीं स्त्रीलिंग हो जाए ना वो तिच्च संज्ञाया सूत्र है वैसे तिच कर दो। निपातनाद अनुनासिक लोप इति हरदत्त निपातन से अनुनासिक लोप हो गया समझा जाएगा, अनुनासिक मैंने गम धातु का मकार गति शब्द से तत्संजक शब्द परत्वात् न सामनाधिकरण्य अनुपत्ति इति पुरोहितमिति। पुरा शब्द असि प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्त अतः थाता स्वर का अपवाद कर देता है।